पहली दफा तुमसे मिलके लगा जैसे रब्बा बिन मांगे, तूने सब कुछ दे दिया। दिल खो गया मेरा ये हो गया तेरा, मुझको मिल गई मेरे जीने की वजह। लागे ना मेरा मन तेरे बिना हो सनम, तुझे से शुरू जन्नते मेरी, तुझे पे खत्म आशिकी मेरी, तू बन जा जिंदगी मेरी, तेनु दिल दा वास्ता, तू आजा सब छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार के, करीब मेरे इतने आके तू कभी होना ना। कहाँ गई दोनों? हमें कहाँ मालूम, हमने थोड़ी ना देखा। लड़कियाँ थी ये शक्तिमान, अचानक से घूम के गायब हो गई। कौन है बे? पीछा क्यों कर रहे थे हमारा? हम आपका पीछा थोड़ी ना कर रहे थे। तो फिर? हम तो अपनी डोली जी का पीछा कर रहे थे। और तुम किसका पीछा कर रहे थे? हम तो गोटी का पीछा कर रहे थे। गोटी? गोटी कौन है? हमें, हमारा नाम है गोटी लाल प्रसाद। और हमारा नाम? तुमसे पूछे नहीं ना, तो कोई जरूरत नहीं अपना इंट्रोडक्शन देने का। और हाँ, तुम दोनों ना सुन लो, आज के बाद अगर हमारा पीछा भी किया ना या पीछे भी दिखे ना, बंद रखो। और ज़्यादा बोले ना तो गोटी निकाल के कंचे खेलेंगे। ठीक है, कल से ना तुम दोनों दिखना नहीं हमारे पीछे। चलो डॉली। देखा, हमारा नाम सुन के हसी। हमको तो बचपन से ही लगता था कि हमारे नाम में कुछ बात है। गोटी लाल प्रसाद। चुप, चमेट लगा के गई है। और हम तुम्हारे साथ रहे ना तो हमें भी किसी दिन चमेट पड़ेगा। देखो, आज मौका मिलते है उसे कह देना, कल की तरह मत कहना कि गोटी का पीछा कर रहे थे। हमको ना कुछ सही नहीं लग रहा है। काहे सही नहीं लग रहा तुमको? सुबह से ना हमारी बाई आँख फड़फड़ा रही है, हमको लगता है ना कुछ बुरा होगा। देखो, फालतू बात करके हमारा दिमाग ना पकाओ और जो बोले उस पर ध्यान दो। तुम्हारा ना प्लान ही फ्लॉप है। कल खुद थप्पड़ खाए थे, आज हमको खिलाओगे। जब शक्ल अच्छी हो तो बात भी अच्छी कर लिया करो। हम जा रहे हैं तैयार होने, आ जाओ तुम भी। इना आज हमको मार खिलवा के ही रहेगा। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। लगता है कल का बात इन लोगों का कान में नहीं गया, आज दिखाते हैं हम लोगों को। चलो। ये गुटी तो हमारे पास ही आ रही है। क्या बात है, तो समझाया तो समझ में नहीं आया तुम दोनों को? आया ना स्पिंगी जी, वो कहा है कि तो चुप ही रहो। आप बताइए चंपू जी। हमारा नाम चंपू नहीं है, राज नाम है हमारा। राज नाम होने से शाहरुख खान नहीं बन जाओगे तुम। कल कहे थे ना हमारा पीछा नहीं करना, तो आज क्या कर रहे हो? पिंकी जी, आप गौर फरमाइएगा तो, हम आपके सामने खड़े हैं, पीछे नहीं। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश ना करो हमारे सामने। पिंकी जी, वो कहा है ना हमें आपसे कुछ कहना है। तो फिर बको। बहुत दिनों से ना पिंकी, हम पापा को बोले बड़े शहर में हमारा मन नहीं लगता, तो आ गए हम अपने पिंकी के पास। चलो चलते हैं। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? देखो भाई, तुम्हारा टाइम हो गया अब खत्म। का मतलब टाइम खत्म? तुम दो साल में जब तक उसके सामने आए, वो रोकी आके उसे गली लगा दिया। अब जब तक तुम उसे अपने प्यार का इजहार करोगे, वो उसके घर डोली लेके पहुंच जाएगा। बट डोली तो तुम्हारी सेटिंग है ना? खबरदार जो हमारी डोली के बारे में कहा, तो हम ऊ डोली की बात करें, शादी वाला। एक गोटी भाई, ऐसे मत कहो ना। देखो भाई, अगर आज नहीं बोल पाए तो कभी नहीं बोल पाओगे। ठीक है,
हम जा रहे आज के हमें। जाओ बेटा और दिखा दो कि तुम ही हो असली DDLJ के राज। पिंकी जी, क्या हुआ? वो हम आपसे कल कुछ कहना चाहते थे पर हम कह नहीं सके, इसलिए हम आज आ गए। तो फिर कहो, क्या कहना चाह रहे थे? पिंकी जी, हम ना आपसे प्यार करते। कहाँ, क्या बोले? क्या हुआ पिंकी, ये लड़का तुमको छेड़ रहा है का? ये ना, इसका इतना हिम्मत कहा जो ये हमें छेड़ेगा? हम तो इसको ये दिखा रहे थे कि जब कोई हमसे भिड़ता है तो हम उसका क्या हाल करते। अगर तुम्हारी कुश्ती हो गई तो चले हमारे मोटरसाइकिल में कचौड़ी खाने। चलो फिर। अरे हमको समझ नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे सामने पिंकी जी को अपने मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया और तुम उनकी मुस्कुराए जा रहे हो? गोटी, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, हमने अपनी दिल की बात कह दी थी, पर उसी वक्त रॉकी आ गया था, पर उन्होंने रॉकी को कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। तो इसमें खुश काहे हो रहे हो गांडू? तुम ना गोटी बुड़बक का बुड़बक ही रहोगे। सोचो कि हमने तुमको 1000 का चेक दिया और 1 ब्लैंक चेक दिया, तुम कौन सा लोगे? 1000 का काहे बे? क्योंकि ब्लैंक चेक में अगर तुम्हारा सिग्नेचर ही ना हो तो हम लेके क्या करेंगे? मान लो हमने दोनों में सिग्नेचर किया, तब कौन सा लोगे? दोनों ही ले लेंगे। तुम ना अजीब इंसान हो बे, एक चूज करो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ब्लैंक चेक ले लेते। हाँ, क्योंकि ब्लैंक चेक में तुम जितना चाहो उतना अमाउंट भर सकते, उसी तरह उनकी खामोशियों को हम जो चाहे वो समझ सकते हैं। इना तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, इतना भी फिल्मी ना बनो, ठीक है? पर गोटी, देखो हम जा रहे हैं अपने डोली से मिलने, तुम बैठे रहो यहाँ पे। पर तुम्हारी सेटिंग कब हुई? हम ना तुम्हारी तरह स्लो मोशन में काम नहीं करते, हम सीधा काम की बात करते हैं। हम जा रहे हैं अपने डोली जी से मिलने और तुम यहीं बैठ के बकवास करो। पिंकी जी सुन लिए है, अब आगे बोलो। थैंक यू का है? कल हमने आपको अपनी दिल की बात कही पर आपने रॉकी को कुछ नहीं कहा। फिक्र ना थी तुम्हारी, खामखा वो हमारी वजह से तुमको कूट देता और हम वो नहीं चाहते थे, इसलिए हम नहीं कहे, समझे? पर आपने जवाब नहीं दिया। देखो, प्यार तो हम तुमसे ना ही करते, तुम सालों से हमारे पीछे घूम रहे हो। हाँ, अच्छे लड़के हो इसलिए अच्छे लगते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम अच्छे तो लगते हैं ना? बहरे हो? नहीं। तो फिर कह तो दिया है, तो बार बार काहे पूछ रहे हो? सॉरी। ठीक है। पिंकी जी, हम भी उधर ही जा रहे हैं, छोड़ दे आपको। चलो। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह, तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो इस जमीन से फलक के दरमियाँ, तुम ही हो बेसुमार, तुम ही हो मुझ में हार, तुम ही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारी पिंकी को हाथ लगाने की? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम चुप रहो, ये हम मर्दों की बात है, हम समझेंगे। काबे, का सोच के तुमने पिंकी को हाथ लगाया? हाँ, बोलता काहे नहीं है, बोल। हम पिंकी से प्यार करते हैं। हाँ? साले, तुम सोच भी कैसे लेके तुम पिंकी के लायक हो? काहे नहीं है, बिल्कुल है हम पिंकी के लायक। तो ठीक है, करो हमसे मुकाबला, अगर तुम जीत गए तो हम कभी पिंकी को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, अगर तुम हार गए तो तुम अपनी शक्ल कभी पिंकी को दिखाना मत। रॉकी, क्या बकवास कर रहे हो? नहीं पिंकी जी, आज हम आपको दिखाई देंगे कि हम आपके लायक है या नहीं। अच्छे लगते हैं ना, पर प्यार नहीं करती हो,
शायद आज के बाद प्यार भी करने लगो। कहाँ जरूरत थी हीरो बनने की, कूट गया ना। तुमको जो जीतना था तो कहाँ जीते। अगर हारे होते तो तुम रॉकी के पास होते, हमारे पास नहीं।